everyone. I hope you all are safe and sound, taking all the COVID measures and precautions. अच्छे से sanitize कर रहे होंगे, सारे precautions ले रहे होंगे, काढ़ा वाढ़ा भी पी रहे होंगे and अपने एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिकॉज हाफ ईयरली आने वाले हैं और हमें अपने सारे एग्जाम्स, वेदर हाफ ईयरली हो या यूनिट टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो या क्लास टेस्ट हो, हमें अपने सारे एग्जाम्स एस करने हैं. अब हाउ विल बी एस आर एग्जाम, देन ऑफकोर्स अन अकेडमी इज द सोल्यूशन वेयर यू कैन एस ऑल योर एग्जाम्स विद गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स. तो अन अकेडमी में ऐसा क्या है जिससे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? तो अन अकेडमी में यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया हु आर हाईली क्वालिफाइड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स, फाइनेस्ट टीचर्स अक्रॉस इंडिया. तो यू गेट टू लर्न द बेस्ट एंड यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, बिकॉज अन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स होते हैं दे आर द टॉप एजुकेटर्स, टॉप रिक्रूटेड एजुकेटर्स या टॉप पिक्ड एजुकेटर्स फ्रॉम इंडिया जो आपको पढ़ाते हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे. इसके अलावा अन अकेडमी पे लाइव टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, डेली एमसीक्यूज होते हैं. आप पहले लेक्चर अटेंड करो और उसके बाद आप ये सारे टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज वगैरह दे सकते हो, ताकि आपको ये पता रहे कि जितना आपने सीखा आज के दिन कि तो आपकी क्या प्रोग्रेस रही है, कितना आपको आता है, कितना आपने समझा. ये सब आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं. इसके अलावा अन अकेडमी में एक सबसे मेन बेनिफिट ये है दैट यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे बैठे भी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं. यूजुअली क्या होता है, आप लोग ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, धूप में जाते हैं, पहले दिन भर इतना टायरिंग हो जाता है, स्कूल अटेंड करके जाते हैं, इतना थक चुके होते हैं और फिर शाम को ट्यूशन क्लासेस भी चले जाते हैं, तो बहुत टायरिंग आपके लिए हो सकता है. बट अन अकेडमी पे तो आप घर बैठे ही पढ़ सकते हो और किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो. जब आपको कन्वीनियंट हो आप अन अकेडमी के लेक्चर्स देख सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो या फिर अन अकेडमी के ऐप पे स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हो जो कि फ्री होती हैं. तो आप कहीं से भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो या फिर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. बट ये जो पेमेंट होते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के जो पैकेजेस होते हैं या आपके जो नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस हैं उससे आई एम श्योर काफ़ी कम रेट्स होती हैं. तो आप घर बैठे पढ़ सकते हो, लाइव टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. इसके अलावा पूरे वीक में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आप कैसे बेटर कर सकते हो या कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, इसकी भी एक पूरी रिपोर्ट बना के अन अकेडमी आपको वीकली बेसिस पे देता है. यानी कि अन अकेडमी आपको वीकली रिपोर्ट्स देगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है थ्रू आउट द वीक उसके बेसिस पे. अपार्ट फ्रॉम दिस यू गेट अ मेंटोर ऑल्सो ऑन अन अकेडमीज प्लेटफॉर्म जो आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे कहूँ आपको लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड मिल जाता है, आपको एक दोस्त मिल जाता है जो आपको एक दोस्त के जैसे ही बताता है कि आप कैसे अपने परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके अलावा अन अकेडमी आपको सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है. आप जो भी कोर्स में एनरोल करोगे अन अकेडमी विल मेक श्योर दैट यू गेट द प्रॉपर मटेरियल एंड कंप्लीट मटेरियल ऑफ दैट कोर्स. तो मेरे टाइम पे तो ऐसी कोई फैसिलिटीज थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हम इतने लकी थे ही नहीं. बट आप इतने लकी हो और आपको ये सारे बेनिफिट्स अगर चाहिए तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है. वहाँ पे आपको जो कोर्स पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, या फिर आपको कोई फ्यूचर के लिए किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हो या सारे कोर्स भी ले सकते हो. आपको जो पढ़ना है आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो. सो यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्नर ऐप, यू एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो भी आप पढ़ना चाहते हो जस्ट एनरोल योर सेल्फ. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यू हैव टू यूज माई कोड दैट इज PJAIN10, बिकॉज अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको सीधे सीधे 10% ऑफ मिलता है. Yes, you heard me correct. If you use my code, then you straight away get flat 10% off.
आपको जो भी कोर्स लेना है उसकी जो प्राइस होती है उस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोड को यूज करने से। तो इतने सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, और अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है देन ऑफ कोर्स अनअकैडमी इज द सॉल्यूशन, कहीं और नहीं जाना है। कि आपको डाउनलोड करना है, अपने पसंदीदा कोर्स में एनरोल करना है एंड देन यू हैव टू यूज माय कोड दैट इज PJAIN10। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको विद इन अ वीक अपने रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, दैट्स अ गारंटी। और बहुत छोटी सी चीज ही आपको करना है और आपके कंफर्ट, आपके लिए तो बहुत सारे कंफर्ट्स है जो अनअकैडमी आपको देता है। सो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप, आपको एनरोल करना है जिस भी कोर्स में आपको पढ़ना चाहते हो, जो भी कोर्स या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उसमें आपको एनरोल करना है और आपको मेरा कोड यूज करना है ताकि आपको उस पर 10% जो प्राइस है उस कोर्स का उस पर 10% ऑफ मिल सके। तो ये तो थी अनअकैडमी के बेनिफिट्स की बातें कि अगर आप अनअकैडमी में एनरोल करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी। आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7 एंड आई हैव डन माय बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की जिसपे ये पूरा वीडियो होने वाला है। सो आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 5, दैट इज विमेन चेंज द वर्ल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, प्लस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझना है, पढ़ना है और एकदम क्लियरली अपने माइंड में इस चैप्टर को सेट करना है। ये चैप्टर तो हम पढ़ लेंगे, आप अच्छे से समझ भी जाओगे, प्लस आप एग्जाम्स भी दे आओगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बिकॉज आप अनअकैडमी में पढ़ रहे हो वे यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, एग्जाम वगैरह भी हो जाएगा, बट क्या आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी, क्या आपकी नॉलेज एकदम प्रॉपर होगी? तो अगर आपको एकदम अपनी नॉलेज कंप्लीट रखनी है, एकदम प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तो हम प्रॉपरली ये चैप्टर को पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सब्जेक्ट है सिविक्स, जिसका हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। सो व्हाट डज दिस वर्ड सिविक्स मीन? क्योंकि क्या है ना, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे एकदम अच्छे बच्चों की तरह, और एग्जाम भी अच्छे दे आओगे, मम्मी पापा भी प्राउड हो जाएंगे क्योंकि मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। बट हमारी नॉलेज तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हमें पहले ये ना पता चले कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कि सिविक्स का मतलब क्या होता है एंड देन वी विल ग्रेजुअली प्रोसीड विद आवर चैप्टर, बिकॉज हमारा मेन एम क्या है, नॉलेज। हमें एकदम कंप्लीट और प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए, तो उस कंप्लीट नॉलेज के लिए हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है। तो सिविक्स का क्या मीनिंग होता है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, इफ आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, देन सिविक्स मीन्स द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। यानी कि हमारे एज सिटीजन्स, किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन के या किसी भी स्टेट के अगर हम सिटीजन हैं तो हमारे क्या राइट्स, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हमारी अपनी कंट्री के लिए या स्टेट के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वो अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो वो हम सिविक्स में पढ़ते हैं। सो सिविक्स इज बेसिकली अ सब्जेक्ट विच टॉक्स अबाउट ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। तो आप जो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, ये सब जो राइट्स हमने पढ़े, और हमारी क्या ड्यूटीज होती है अपनी कंट्री के लिए, ये अगर हम किसी चैप्टर में किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं सिविक्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सिविक्स की बुक खोलो या फिर अपना सिविक्स का एग्जाम देने जाओ या कहीं पे भी ये वर्ड भी सुनो ना सिविक्स, तो आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, किस से रिलेटेड, किन चीजों से रिलेटेड बातें हो सकती है यहाँ पे। तो राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड ही बातें होंगी सिविक्स के अंदर।
सो आई होप आपको ये जो सब्जेक्ट है सिविक्स, इस वर्ड का बहुत अच्छे से मतलब समझ आ गया होगा, प्लस आपको ये समझ आ गया होगा कि सिविक्स के अंदर हम किस बारे में, किन चीजों से, व्हाट ऑल रिलेटेड टर्म्स टू बी स्टडी इन सिविक्स। नाउ मूविंग अहेड टू आवर चैप्टर, बट उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी एक्टिविटी है मेरे पास, वेयर यू जस्ट हैव टू इमेजिन। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है, जब वो वर्ड्स आप सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, कैसी इमेज आती है। सो व्हाट इमेज और इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग टर्म्स। जब मैं बोलूं टीचर, इमेजिन अ टीचर, तो आपके दिमाग में क्या आता है? इमेजिन द वर्ड टीचर, तो कैसी इमेज आपके ब्रेन में फॉर्म होती है। सेकेंड वर्ड इज साइंटिस्ट, व्हेन आई से साइंटिस्ट, तो कैसे इमेजेस आपके ब्रेन में फॉर्म होती है, क्या दिखता है, ये वर्ड सुनते ही क्या इमेज फॉर्म होती है। व्हेन आई से फार्मर, सो व्हाट इमेज इज बेसिकली फॉर्म्ड इन योर ब्रेन। जब मैं फार्मर कहती हूँ, जब मैं किसान का टर्म यूज करती हूँ, तो आपके ब्रेन में क्या इमेज बनती है। एंड लास्टली व्हेन आई से नर्स, तो नर्स जब मैं कहती हूँ तो आपके ब्रेन में क्या इमेज फॉर्म होती है। Just imagine, there are four terms which I have asked you to imagine. जब मैं टीचर बोलती हूँ तो क्या इमेज बनती है ब्रेन में, साइंटिस्ट, फार्मर, नर्स, जब मैं ये टर्म्स बोलती हूँ तो आपके ब्रेन में क्या इमेज बनती है इन टर्म्स को सुनते ही। सो इट्स अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी एंड एक्सट्रीमली ईजी एक्टिविटी, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे बस इन टर्म्स को इमेजिन करना है कि क्या फोटोग्राफ आपके ब्रेन में बनती है, क्या इमेज आपके ब्रेन में बनती है। आई होप अब तक इन चारों टर्म्स की कुछ ना कुछ इमेज तो बन ही गई होगी आपके ब्रेन में। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब मैंने कहा इमेजिन अ टीचर, तो आपके जो इमेज बनी होगी ब्रेन में वो किसी फीमेल टीचर की होगी, यानी कि कोई लेडी की इमेज आपके ब्रेन में आई होगी। जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट स्टूडेंट्स के एक फीमेल इमेज ही आती है व्हेन दे हियर द टर्म टीचर। जब मैं फार्मर की बात करती हूँ तो ऑलमोस्ट आप सबके ब्रेन में एक मैन की इमेज आई होगी, एक आदमी की इमेज आई होगी। जब मैं साइंटिस्ट बोलती हूँ तो अगेन 90% ऑफ द लोगों के ब्रेन में किसी मेल इमेज ही फॉर्म हुई होगी, कोई मेल इमेज या किसी मैन की इमेज ही फॉर्म हुई होगी। जब मैंने कहा इमेजिन अ नर्स, तो अगेन नर्स के वे में आपको कोई फीमेल इमेज ही इमेजिन हुई होगी अपने ब्रेन में। तो ये एक सेट हमारे दिमाग में नोशंस होते हैं कि टीचर है तो फीमेल इमेज, फार्मर है तो एक मेल की इमेज, इन्हें हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। देर आर सर्टेन स्टीरियोटाइप्स अराउंड मेन एंड वेमेन्स जॉब। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं मेन की जॉब के अराउंड एंड वेमेन की जॉब के अराउंड, बट ये स्टीरियोटाइप्स होते क्या हैं? सो स्टीरियोटाइप्स आर बेसिकली, जब आप ये सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर जेंडर के लोग कोई पर्टिकुलर काम ही कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, ये लड़कियों का काम ही नहीं है, बाइक चलाना तो सिर्फ आदमियों का काम है। अ मैन शुड नॉट बिकम अ शेफ, लड़कों को शेफ नहीं बनना चाहिए, बिकॉज ये तो लड़कियों का काम है, खाना बनाना वगैरह तो लड़कियों का काम है। या अगर आप ऐसा सोचो कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, ये तो बस ऐसे ही बिहेव करते हैं सबके साथ, पूरी कम्युनिटी ही ऐसी है। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई सेट नोशंस है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करती है, इन लोगों को तो यही काम करना चाहिए, वो काम उनके लिए है ही नहीं, अगर आपके भी ब्रेन में, आपके माइंड में ऐसे कोई नोशंस हैं या ऐसे कोई थॉट्स हैं कि ये तो ऐसा ही कर सकती है, तो दोस आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। तो वही स्टीरियोटाइप्स हमने अभी उस एक्टिविटी के वे में देखी, जहाँ पे जब मैंने आपको कहा एक टीचर की इमेज फॉर्म करो, तो मोस्ट स्टूडेंट्स के ब्रेन में एक फीमेल टीचर की इमेज बनी। जब मैंने नर्स कहा तब भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फीमेल इमेज ही बनी होगी,
बट जब मैंने फार्मर कहा या साइंटिस्ट कहा या मैं कहूँ किसी पायलट को इमेजिन करो, इंजीनियर को इमेजिन करो, तो मोस्टली सबके एक मेल इमेज बनेगी, किसी आदमी की इमेज बनेगी। तो ये हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है या हमने ये मान लिया है कि टीचर या नर्स एक फीमेल, एक लेडी बेटर ये जॉब कर सकती है, या फिर एक फार्मर या साइंटिस्ट या पायलट की जॉब मेन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, मेल जो है ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमें पता ही नहीं था, बट ये स्टीरियोटाइप्स हमने फॉर्म कर रखे हैं। इन स्टीरियोटाइप्स के कारण ही बहुत लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है फॉर परस्यूइंग अ पर्टिकुलर करियर। यानी कि जब कोई लड़का कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, तो उनको उनकी फैमिली से फुल सपोर्ट मिलता है। बट अगर कोई लड़की बोलती है कि मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट विच बॉयज गेट। क्यों? क्योंकि वही है स्टीरियोटाइप्स। अरे लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, ये ऐसे थॉट्स हमारे ब्रेन में है जिन्हें हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। और इन स्टीरियोटाइप्स के कारण मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज टू परस्यू अ पर्टिकुलर करियर विच यूजुअली बॉयज गेट। लड़कों को ऐसा सपोर्ट बहुत ईजीली मिल जाता है, बट लड़कियों को उस काइंड उस टाइप का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसी कारण से जैसे ही इन मैनी फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री, बहुत जगहों पे आज भी, जैसे ही लड़की की एजुकेशन कंप्लीट होती है, जैसे ही उनका स्कूल एंड कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, दे आर मैरिड ऑफ, उनकी शादी कर दी जाती है। बिकॉज लड़कियों के करियर पे इतना फोकस नहीं दिया जाता, बिकॉज अगेन वही स्टीरियोटाइप है कि वुमेन शुड टेक केयर ऑफ द हाउस, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे नीड टू बी पोलाइट, दे शुडंट बी वर्किंग आउटसाइड देयर होम्स, उनको घर का ही काम करना चाहिए, बच्चे वगैरह संभालने चाहिए। वेयरएज लड़कों को तो घर चलाना है, मेन शुड ब्रिंग मनी टू द हाउस, दे शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये अगेन स्टीरियोटाइप्स है, एंड इन्हीं स्टीरियोटाइप्स के कारण लड़कियों की शादी उनकी एजुकेशन कंप्लीट होते ही कर दी जाती है, वेयरएज बॉयज को पूरा सपोर्ट दिया जाता है दैट दे बिल्ड देयर करियर। सो दीज आर बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप्स दैट वी हैव फॉर्म्ड इन आर ब्रेन। देर आर सो मैनी स्टीरियोटाइप्स अराउंड मेन्स जॉब्स एंड वुमेन्स जॉब्स, आदमियों को क्या काम करने चाहिए एंड औरतों को क्या काम करने चाहिए, उसके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। सिर्फ स्टीरियोटाइप्स ही नहीं, इन स्टीरियोटाइप्स के कारण जो हमारी सोसाइटी होती है या जो एडल्ट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो भी बच्चों पे काफ़ी बार प्रेशराइज करते हैं, उनको प्रेशर उन पे प्रेशर डालते हैं दैट दे शुड परस्यू अ पर्टिकुलर जॉब। यानी कि लड़का होता है तो उनको बचपन से ही प्रेशर डालना शुरू कर दिया जाता है कि तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है बड़े होके, तुम्हें तो यही जॉब करनी चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बनो अच्छा रहेगा। वेयरएज लड़कियों को शुरू से ये प्रेशराइज कर दिया जाता है दैट दे हैव टू लुक आफ्टर देयर हाउस, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, एंड उनको बचपन से ही ये सारे काम सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं। So these are the stereotypes that exist in our society around the kind of jobs which a men can do, which women can do. तो इन्हें हम कहते हैं stereotypes. तो I hope आपको stereotypes बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. Now moving ahead, that is learning for change. बदलाव के लिए पढ़ना. तो ये क्या होता है, हम एक chronological order में समझेंगे, one by one समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, इन अर्लियर टाइम्स सन्स वर टॉट टू रीड एंड राइट, वेयर एज डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी टू रीड एंड राइट। यानी कि पहले के टाइम पे बेटों को, यानी कि लड़कों को पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, बट लड़कियों को, बेटियों को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। इनफैक्ट जो जिन फैमिलीज में कोई स्किल्स होती थी, यानी कि कोई कला होती थी, जैसे कि पॉटरी यानी कि मटके बनाने की कला, या वीविंग, या कोई भी ऐसी कोई कारपेंट्री, ऐसी कोई स्किल होती थी फैमिली में, तो ये स्किल्स बेटों को सिखाई जाती थी, उस फैमिली के बेटियों को नहीं सिखाई जाती थी।
गिवन द फैक्ट कि जो औरतें होती थी डॉटर्स एंड विमेन दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे सपोर्टेड द स्किल. जो पॉटरी होती थी उनकी पॉट्स बनाने की जो मिट्टी होती थी वो औरतें ही लाती थी, औरतें ही प्रिपेयर करती थी, बट स्टिल उनके कामों की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी. और ये जो स्किल्स थी पॉटरी एंड वीविंग की लड़कों को ही सिखाई जाती थी, फैमिलीज के अंदर लड़कियों को नहीं सिखाई जाती थी. बट 19th century में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे बदलाव आए, एजुकेशन के लिए नए नए आइडियाज सोसाइटी में आगे आए, लर्निंग के लिए काफ़ी आइडियाज आए. 19th century में बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशन हुए एजुकेशन से रिलेटेड, बहुत नए नए आइडियाज आए, न्यू आइडियाज इमर्ज इन द सोसाइटी अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग. बट तब भी सेम टाइम पे बहुत सारा ऑपोजिशन भी हुआ लड़कियों की पढ़ाई को लेके. सो देर वर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ गर्ल्स एजुकेशन. बहुत सारे लोग ये तब भी मानते थे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए. सो बहुत ये जितने नए आइडियाज आए उनका बहुत विरोध भी हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत ऑपोजिशन हुआ. येट देर वर स्टिल फ्यू मेन एंड वुमेन who made the efforts to open schools for girls and work for women's education. बहुत सारे protest हुए but same time पे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ये मानते थे कि नई लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए. They should also get educated, they should also study, they should also read and write and they should study. तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे एजुकेशन के आइडियाज आए, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए इन आइडियाज के अगेंस्ट. बट अगेन एट द सेम टाइम सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग थे, मेन एंड वुमेन, हु ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स. इस कारण से उस टाइम पे गर्ल्स की जो एजुकेशन होने लगी वो इंक्रीज होने लगी. और ऐसी ही अगर एक वुमेन की बात करें, एक ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम बात करें कि पढ़ने और लिखने की कितनी इच्छा थी लड़कियों में, तो उसका एक एग्जाम्पल है राजसुंदरी देवी. सो राजसुंदरी देवी वॉज अ लिटरेट वुमेन. शी लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट. इनफैक्ट शी इवन रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, यानी कि बंगाली में इन्हें अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जिबान. अमर जिबान इनफैक्ट पहली ऐसी ऑटोबायोग्राफी है इंडिया में जो कि एक इंडियन वुमन ने लिखी है. इट्स द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी विच इज रिटन बाय इंडियन वुमन. एंड इस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है अमर जिबान. तो जिस टाइम पे राज सुंदरी देवी पढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, उस टाइम पे सोसाइटी में ऐसा माना जाता था दैट लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए. वुमेन शुड नॉट लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू राइट. इनफैक्ट अगर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा देन दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैड लक टू द फैमिली. उनके जो हस्बैंड्स हैं वो बहुत जल्दी मर जाएंगे एंड दे विल बिकम अ विडो. सो एट दैट टाइम जब राजसुंदरी देवी बड़ी हो रही थी, जब वो खुद आपकी एज में थी, अराउंड 12-13 ईयर्स की थी, सो एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ वुमेन लर्न हाउ टू रीड एंड राइट देन शी विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैड लक टू हर हस्बैंड एंड शी विल बिकम अ विडो. डिस्पाइट दिस जो राजसुंदरी देवी थी, शी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. सोसाइटी में ऐसे बिलीव थे कि बहुत बैड लक आ जाएगा फैमिली में, हस्बैंड मर जाएंगे और लड़कियां विडो बन जाएंगी, विधवा बन जाएंगी यानी कि. बट इसके बावजूद डिस्पाइट दिस राजसुंदरी देवी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट सीक्रेटली, यानी कि छुप छुप के पढ़ती थी, लिखती थी. उन्होंने खुद को सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं. सो शी लर्न एवरीथिंग बाय हर सेल्फ एंड उनकी शादी हो गई उसके बाद भी वो छुप छुप के पढ़ती थी. सो दैट्स हाउ शी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. इन फैक्ट उनकी ये जो बुक है अमर जिबान, जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, अगर आप उस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे वुमेन की क्या लाइफ हुआ करती थी, कितने रेस्ट्रिक्शंस थे, कितना कैसे इंश्योर किया जाता था कि लड़कियां ना तो पढ़े ना लिखे, ताकि वो एजुकेशन गेन नहीं कर सके, वो पढ़ लिख नहीं सके. अगर आपको ये जानना है कि क्या उस टाइम पे औरतों की लाइफ हुआ करती थी, कितने रेस्ट्रिक्शंस होते थे, कितने डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, देन यू शुड रीड हर ऑटोबायोग्राफी दैट इज अमर जिबान.
अब इनके ही जैसी एक और लेडी थी जिनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और उनका नाम था रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। शी वॉज बॉर्न इन अ रिच लैंड ओनिंग फैमिली, यानी कि इनकी जो फैमिली थी इनकी फैमिली के पास बहुत सारी लैंड थी, बहुत ज़मीनें थी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके कारण से इनको उर्दू लिखना और पढ़ना आता था। शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट इन उर्दू, बट इनको बांग्ला और इंग्लिश में भी पढ़ने का और लिखने का मन था, बट इनको बांग्ला और इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई। क्यों नहीं पढ़ाई गई? बिकॉज उसी टाइम पे ऐसा बिलीव था कि अगर लड़कियां इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाए तो वो वेस्टर्न जो आइडियाज़ हैं, जो विदेशी आइडियाज़ हैं, उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। सो इंग्लिश विल बेसिकली एक्सपोज द गर्ल्स टू न्यू आइडियाज़, वेस्टर्न आइडियाज़, जो उनके लिए गलत होगा, जो सोसाइटी के लिए गलत होगा। इसलिए जो लड़कियां थी उनको इंग्लिश और बांग्ला जो है पढ़ने और लिखने से मना किया जाता था, उनको इंग्लिश नहीं सिखाई जाती थी। वेराज जो लड़के थे उनको इंग्लिश बहुत इजीली सिखाई जाती थी। तो यहाँ पे भी हमें एक कॉन्ट्रास्ट पता चलता है गर्ल्स एंड बॉयज में क्या डिफरेंस था, क्या डिस्क्रिमिनेशन था, वो यहाँ पे हमें इनके टाइम से पता चलता है कि जहाँ लड़कियों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी ये समझकर दैट दे विल बी इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न आइडियाज, जो नए नए आइडियाज हैं उससे वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, बट लड़कों को इंग्लिश बहुत ईजीली सिखाई जाती थी। बट ये रुकैया सखावत हुसैन जो थी, शी लर्न हाउ टू रीड बंगला एंड इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। इनके एल्डर ब्रदर के सपोर्ट के कारण इन्होंने सीख लिया कि इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। नॉट ओनली शी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश, इनफैक्ट वो आगे जाके एक राइटर ही बन गई इंग्लिश लैंग्वेज की। इनफैक्ट शी इवन रोट अ स्टोरी जिसका नाम है सुल्ताना स्ट्रीम, और उन्होंने ये बुक लिखी थी 1905 में व्हेन शी वाज ओनली 25 इयर्स ओल्ड। सिर्फ 25 इयर्स की एज में शी एक्चुअली रोट अ स्टोरी जो बहुत फेमस स्टोरी हुई, एंड उसका नाम है सुल्ताना स्ट्रीम। सिर्फ ये एक राइटर ही नहीं बनी, इन्होंने सिर्फ एक इतनी पॉपुलर स्टोरी ही नहीं लिखी, बट इन्होंने 1910 में एक स्कूल भी खोला विच वॉज अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता, एंड इवन टूडे आज भी वो स्कूल फंक्शनल है, यानी कि आज भी उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। सो रुकैया सखावत हुसैन एक फेमिनिस्ट लेडी थी, उन्होंने उर्दू के साथ साथ बंगला और इंग्लिश लिखना पढ़ना भी सीखा, उन्होंने एक बुक भी लिखी, इनफैक्ट उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला। बात आती है आज के टाइम पे क्या डिफरेंस है लड़के और लड़कियों की स्कूलिंग में। सो आज के टाइम पे दोनों लड़के भी स्कूल जाते हैं, लड़कियां भी स्कूल जाती हैं, बोथ ऑफ देम अटेंड स्कूल्स, येट देर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। यानी कि लड़कों की जो पढ़ाई है और जो लड़कियों की पढ़ाई है इसमें आज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम 1961 की बात करें तो 1961 में एक सेंसस हुआ था। सेंसस क्या होता है? सेंसस इज बेसिकली एक रिपोर्ट बनाती है गवर्नमेंट हर 10 साल में एक रिपोर्ट बनती है, जिस रिपोर्ट में बेसिकली ये होता है कि कितने लोग देश में रह रहे हैं, या कितने लोग एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या उनका रिलेशन है, क्या उनकी कैटेगरी है, क्या स्टेटस है। तो इन सब का एक सेंसस होता है, और इसे ये जो पूरी रिपोर्ट बनती है इन सब इंफॉर्मेशन की, उनको हम कहते हैं सेंसस। सेंसस हर 10 साल में होता है। तो 1961 में भी एक सेंसस हुआ था, और उस सेंसस से ये पता चला था कि 40% ऑफ ऑल द बॉयज एंड मेन वर लिटरेट, यानी कि जितनी पॉपुलेशन थी पूरे इंडिया की 1961 में, उस पूरी पॉपुलेशन में 40% ऑफ द लड़कों को, 40% ऑफ द आदमियों को
लिखना आता था, एटलीस्ट वो अपना नाम लिख सकते थे और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते थे। लिटरेट का मतलब होता है वो लोग जो कि एटलीस्ट अपना नाम लिख सके, थोड़ा बहुत पढ़ सके, रीड कर सके। तो पूरी पॉपुलेशन की सिर्फ 40% ही बॉयज एंड मेन वर लिटरेट, बल्कि अगर वेमेन की बात करें तो ओनली 15% ऑफ द वेमेन वर लिटरेट, यानी कि सिर्फ पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 15% लड़कियां ही अपना नाम लिख सकती थी और थोड़ा बहुत उनको पढ़ना आता था। तो इससे हमें पता चलता है कि बॉयज एंड गर्ल्स के एजुकेशन में कितना डिफरेंस था 1961 में। अगर हम रीसेंट सेंसस की बात करें तो 2011 में, रिसेंटली सेंसस हुआ था 2011 में, जिससे पता चला दैट 82% ऑफ द बॉयज एंड मेन वर लिटरेट, दे न्यू हाउ टू राइट देयर नेम्स एंड हाउ टू रीड स्मॉल सेंटेंसेस, वेयर आर 65% ऑफ द गर्ल्स एंड वेमेन ऑल्सो न्यू हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। ये जो एक डिफरेंस था, कहीं ना कहीं लड़कों की एजुकेशन में और लड़कियों की एजुकेशन में ये बहुत कम हो गया और इस सेंसिस से वो पता चला, बट आज भी ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे एससी एंड एसटी ड्रॉप आउट्स के बारे में, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लड़कियां होती हैं वो स्कूल क्यों छोड़ देती हैं। सो ऐसा पता चलता है कि एससी एंड एसटी गर्ल्स लीव स्कूल एट अ वेरी हायर रेट देन एनी अदर कैटेगरी गर्ल्स, यानी कि जो एससी और एसटी गर्ल्स होती हैं, जो कैटेगरी है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन कम्युनिटीज की जो लड़कियां होती हैं ये बहुत जल्दी अपना स्कूल छोड़ देती हैं या अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती। यानी कि कहने का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित, हमने चैप्टर 1 में भी दलित के बारे में पढ़ा था, अगर बाय चांस आपसे वो चैप्टर मिस हो गया हो देन यू कैन रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज ऑन इक्वालिटी। चैप्टर 1 पे मैंने दलित के बारे में क्या उनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है वो सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो इन केस यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट का है मतलब दलित, दलित लड़कियां, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासी लड़कियां। तो दलित और आदिवासी लड़कियां बहुत जल्दी अपना स्कूल छोड़ देती हैं, दे आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल, इन फैक्ट दे डू नॉट इवन कम्प्लीट देयर एजुकेशन, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ के ही ये लोग अपना स्कूल छोड़ देते हैं। 2011 का जो सेंसस था उससे में ये भी पता चला कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनकी कंडीशन एससी और एसटी गर्ल्स से भी बहुत खराब है। मुस्लिम गर्ल्स या तो स्कूल जा ही नहीं पाती, और जाती हैं तो बहुत जल्दी उनकी स्कूलिंग जो है वो बंद हो जाती है, बहुत जल्दी वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सो दे आर इवन लेस लाइकली देन एससी एंड एसटी गर्ल्स टू कंप्लीट देयर प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन होती है ये लोग वो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाती। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि जो एससी और एसटी लड़कियां हैं ये इतनी जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं। तो पहला रीजन ये है कि जितने भी रूरल एरियाज हैं, यानी कि छोटे गांव हैं या छोटे टाउन्स हैं, यहाँ पे या तो प्रॉपर स्कूल नहीं होते, और स्कूल होते हैं तो प्रॉपर टीचर्स नहीं होती जो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर क्लासेस लें। जैसे कि आपके स्कूल में तो रोज क्लासेस होती हैं, देर आर द क्लासेस आर हेल्ड एवरी डे, एक प्रॉपर स्कूल है, आप ऑलमोस्ट रोज स्कूल जाते होंगे, है ना। बट यहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स नहीं होते, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो रोज आके नहीं पढ़ाती, जब मन होता है तब पढ़ाते हैं, तो कंसिस्टेंसी फॉर्म नहीं हो पाती। इस कारण से जो है बच्चे बहुत जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, दे डू नॉट कम टू स्कूल। फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इफ़ अ स्कूल इज नॉट क्लोज टू पीपल्स होम एंड देर इज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। कहने का मतलब ये है कि अगर स्कूल लोगों के घर के पास नहीं है, अगर बहुत दूर है या गांव के बाहर है वो स्कूल, तो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को इतना दूर नहीं भेजते, स्पेशली जब कोई
बस की फैसिलिटी नहीं है या ऑटो या रिक्शा की फैसिलिटी नहीं है तो कैसे लड़कियां इतनी दूर जाके पढ़ेगी। तो अगर इन लोगों के घर के पास आसपास में कोई स्कूल नहीं है तो पेरेंट्स आर नॉट वेरी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज पुअर होती हैं, इतनी पुअर होती हैं दैट दे आर नॉट इवन एबल टू पे द फीस ऑफ देयर चिल्ड्रन चिल्ड्रन वो अपने बच्चों की एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन रूरल एरियाज आर वेरी पुअर। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है जब घर में तीन चार बच्चे हैं और फैमिली बहुत पुअर है, सबकी फीस पेरेंट्स पे नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइम पे लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है कि लड़कों को पढ़ाया जाता है और लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। सो मेनी फैमिलीज आर नॉट एबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन एंड सच पुअर फैमिलीज यूजुअली प्रेफर देयर बॉयज टू गो एंड स्टडी। क्योंकि अगेन ये स्टीरियोटाइप होता है कि लड़का जो है इसको घर चलाना है, इसको आगे काम करना है, तो अगर एजुकेशन होगा तो हो सकता है ही माइट डू बेटर। बट लड़कियों के लिए ये स्टीरियोटाइप होता है कि इसे तो घर के काम ही करने हैं, इसको तो बच्चे ही संभालने हैं। तो गर्ल्स आर नॉट गिवन प्रेफरेंस, गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट गिवन प्रेफरेंस इन पुअर फैमिलीज। फोर्थ रीजन और सबसे मेन रीजन जो एससी और एसटी ड्रॉप आउट के लिए होता है वो ये है कि आज भी कुछ स्कूलों में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो बिकॉज वो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में आज भी टीचर्स एंड इवन स्टूडेंट्स उनके खुद के क्लासमेट्स भी उनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और आई गेस आपको ये एग्जाम्पल याद आ रहा होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जो एक दलित राइटर थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था झूठन, उसमें ये सारे पॉइंट्स बहुत डिटेल में बताए थे कि कैसे बिकॉज ही वॉज अ दलित तो कैसा उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, कैसे उनकी टीचर्स उनको ह्यूमिलिएट करते थे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ऑन इक्वालिटी चैप्टर वन ऑफ सिविक्स, जहाँ पे मैंने दलित एक्सप्लॉयटेशन की बात करी है और हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ऑटोबायोग्राफी में भी क्या है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू हैवंट, एंड इफ यू डू नॉट रिमेम्बर देन ऑल्सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आपके डाउट्स जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे मैं किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हूँ। सो दलित लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड सिंस टाइम इमेमोरियल, एंड आज भी जो SC और ST स्टूडेंट्स होते हैं दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, जिस कारण से ये लोग स्कूल जाना छोड़ देते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द मेन रीजंस व्हाई गर्ल्स ड्रॉप आउट। एंड अब हम बात करेंगे विमेन्स मूवमेंट की, यानी कि औरतों का मूवमेंट। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो औरतों की, लड़कियों की, विमेन एंड गर्ल्स सिचुएशंस हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ओवर टाइम। सो सिचुएशन ऑफ विमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव्ड इन मेनी स्पेयर्स, बहुत अलग अलग फील्ड्स में आज विमेन एंड गर्ल्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत इम्प्रूव हो रही है, जो आज से पहले तक नहीं थी। इनफैक्ट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यू विमेन जजेस हैव टेकन द ओथ, दे बिकेम न्यू जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जो अब तक नहीं हुआ था। सो दे आर द फर्स्ट 3 विमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जज विमेन नहीं रही थी। सो ऐसे ही बहुत सिचुएशन जो है विमेन एंड गर्ल्स की इम्प्रूव होती जा रही है। आज विमेन फाइटर जेट एयरप्लेन्स उड़ा रही हैं, आर्मी ज्वाइन कर रही हैं, बाइक चला रही हैं, लॉयर बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर्स बन रही हैं। ये बहुत सारी नई नई ऐसी फील्ड्स हैं जो पहले विमेन वर स्टॉप टू गो इन दिस फील्ड। लड़कियों को आर्मी में जाने से रोका जाता था, लॉयर बनने से रोका जाता था, और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स थी। बट ओवर टाइम सिचुएशन ऑफ विमेन एंड गर्ल्स हैव इम्प्रूव। ये बदलाव जो आया है किसी एक दिन में या एक महीने में नहीं आया है। सो दीज चेंजेस हैव हैपेंड ओवर टाइम, बहुत सालों से चेंज आता गया आता गया आता गया, एंड फाइनली द सिचुएशन ऑफ विमेन एंड गर्ल्स आर स्लोली इम्प्रूविंग। ऐसा नहीं है बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई आज,
ऐसी बात अभी भी नहीं है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट अभी भी चाहिए. देर आर सो मैनी स्पेयर्स, देर आर सो मैनी फील्ड्स वेयर वुमेन आर स्टिल ट्रीटेड अनईक्वली एंड दे आर डिस्क्रिमिनेटेड. बट आज की जो सिचुएशन है वो एटलीस्ट पहले के टाइम से थोड़ी बेटर है. सो दीज चेंजेस हैव हैपेंड ओवर टाइम. एंड ये चेंजेस कैसे आए, सो बहुत सारी वुमेन ने ग्रुप्स के अंदर या इंडिविजुअली दे स्ट्रगल टू ब्रिंग दीज चेंजेस. उनने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, दे हैव प्रोटेस्टेड, दे हैव रेज्ड देयर वॉइस, दे हैव स्पोकन अप अगेंस्ट ऑल द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड. सो वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव ब्रॉट सच चेंजेस ओवर द ईयर. और ये जो स्ट्रगल्स है वुमेन के, इनको हम कहते हैं वुमेन्स मूवमेंट. तो ये जो मूवमेंट चला है वुमेन की, यानी कि औरतों की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट इज नोन एज वुमेन्स मूवमेंट. एंड दैट हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट टुक अ लॉट ऑफ मैनी ईयर्स टू ब्रिंग सच चेंजेस. ये किसी एक रात या एक दिन का काम नहीं है. इट टुक अ लॉट ऑफ struggles and protests and a lot of time, decades of time, years of time to bring such changes. और ये जो women movement होता है, इसमें इन movements का part कौन होती है? So individual women, यानी कि अकेली औरतें, या फिर कोई women's organization है, कोई firm है जो औरतों के issues पे काम करती है. So collectively all such organizations and all the women across the country, across the globe are part of such movements. और इन struggles को, women के struggles को कहते हैं women's movement. So I hope women's movement आपको clear होगा. बट इन विमेन्स मूवमेंट से क्या होता है? सो विमेन्स मूवमेंट से जो विमेन है वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है सोसाइटी में. जितने भी विमेन के अगेंस्ट जो इश्यूज हैं या जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है विमेन. दे वॉन्ट टू फाइट सच डिस्क्रिमिनेशन, अनईक्वल ट्रीटमेंट जो उनके साथ होता है थ्रू सच मूवमेंट्स. एंड दे वॉन्ट टू प्रिवेल जस्टिस, दे वॉन्ट टू सीक जस्टिस. सो इन मूवमेंट के थ्रू वेमेन वॉन्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस, दे वॉन्ट टू फाइट द अनईक्वल ट्रीटमेंट, दे वॉन्ट टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन, और वो जस्टिस चाहती हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए दीज वेमेन्स मूवमेंट अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, यानी कि अवेयरनेस जनरेट करने के लिए या डिस्क्रिमिनेशन फाइट करने के लिए, जस्टिस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता है. और वो स्ट्रैटेजीज क्या है? सो देर इज कैंपेनिंग, there is raising awareness, protesting, and lastly there is showing solidarity. In sab strategies ke bare mein hum one by one padhne wale hain, starting with campaigning. So campaigning kya hota hai? Campaigning is a very important part of women's movement. जो औरतों के जो struggles होते हैं, women's and girls के जो struggles होते हैं, उसका बहुत crucial part, बहुत important part होता है campaigning. अभी जो कैंपेन्स होते हैं, इट इज बेसिकली टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वॉयलेंस दैट हैपेंस अगेंस्ट वेमेन. जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि भेदभाव होता है, अनईक्वल ट्रीटमेंट होता है, या उनके साथ, वेमेन के साथ या गर्ल्स के साथ किसी भी टाइप की वायलेंस होती है, तो उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जस्टिस लेने के लिए एंड टू फाइट सच डिस्क्रिमिनेशन, कैंपेनिंग इज यूज. एक बहुत रिसेंटली अगर किसी कैंपेन की मैं बात करूं तो दैट वाज मी टू मूवमेंट. बहुत सारे कैंपेन्स हुए थे, बहुत सारी एक वेव चली थी अबाउट द इनजस्टिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशंस दैट वुमेन यूज्ड टू फेस एट वर्क प्लेस एंड इनसाइड देयर हाउसेस. अगर आपको मी टू के बारे में और ज़्यादा जानना है, देन यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, बिकॉज इट्स नॉट रियली गिवन इन योर बुक. बट ऐसी आपकी एक जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने बस बताया कि अ वेरी रीसेंट कैंपेनिंग, अ वेरी रीसेंट मूवमेंट दैट हैपेंड फ्यू इयर्स बैक, दैट वाज मी टू मूवमेंट. इसके बारे में आप गूगल पे और ज़्यादा पढ़ सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, ये जो कैंपेनिंग होती है जिससे एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन को फाइट किया जाता है, इन कैंपेन्स के कारण नए नए लॉज भी पास हो जाते हैं. न्यू लॉज आर पास बिकॉज ऑफ दीज कैंपेन्स.
और नए कानून लाए जाते हैं और ऐसे ही कुछ लॉज जो कैंपेनिंग के कारण बने उनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। सो पहला लॉ है जो 2006 में एक लॉ आया था जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो लॉ था, व्हाट डिड दिस लॉ स्टेट? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट केम इन 2006, इट स्टेटेड दैट इट बेसिकली गेव सम लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि जो औरतें थी वो कंप्लेन कर सकती थी किसके अगेंस्ट, अगर उनके साथ कोई फिजिकल या मेंटल वायलेंस हो रही है। यानी कि 2006 में ऐसा एक लॉ बनाया गया गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ ऐड किया गया 2006 ऑनवर्ड से, कि अगर किसी भी विमेन या किसी भी लड़की के साथ किसी भी टाइप की वायलेंस होती है, फिजिकल वायलेंस या मेंटल वायलेंस, देन द विमेन कैन रिपोर्ट इट, वो कंप्लेन कर सकती है पुलिस स्टेशन में अपनी वायलेंस के अगेंस्ट और लीगल प्रोटेक्शन उन्हें दिया जाएगा। यानी कि जिसने उनके साथ वायलेंस किया है उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। दूसरा लॉ 1997 में आया था जब बहुत सारे विमेन्स मूवमेंट चले थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, और ऐसे ही विमेन्स मूवमेंट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में नई गाइडलाइंस पास की थी, एंड दीज गाइडलाइंस स्टेटेड दैट विमेन वुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर उनके ऑफिस में या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल कॉलेज में किसी भी विमेन के साथ, किसी भी लड़की के साथ किसी भी टाइप का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, यानी कि इफ अ मेल एम्प्लॉय हरासेस अ विमेन एम्प्लॉय और अ गर्ल वर्किंग इन दैट ऑफिस और स्टडिंग इन सम इंस्टीट्यूशन एंड मेक सम सेक्सुअल एडवांसेस टुवर्ड्स देम, देन दैट इज नोन एज सेक्सुअल हरासमेंट। और ऐसे ही सेक्सुअल हरासमेंट से विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पास्ड न्यू गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट द विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट दैट हैपेंस विद देम एट वर्क प्लेस और विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक लॉ और पास हुआ था 1980 में, एंड दैट लॉ स्पोक अगेंस्ट द डाउरी डेथ्स, यानी कि जो एक हमारे समाज में दहेज प्रथा है, दहेजों के विरुद्ध में इस टाइम पे क्या हो रहा था, 1980 के टाइम पे क्या होता था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको दूं तो 1980s में जो फैमिलीज थी वो बहुत हैवी डाउरीज एक्सपेक्ट करती थी। यानी कि जो जब लड़कियों की शादियां होने वाली होती थी तो उनके जो इनलॉज होते थे, यानी कि जो लड़के का परिवार होता था, वो लड़की के परिवार से बहुत लार्ज सम ऑफ अमाउंट मांगता था, उनसे बहुत सारे पैसे मांगता था, गाड़ियां मांगता था, बहुत इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मांगते थे। और शादी होने के बाद भी जो हस्बैंड था या फिर जो लड़की के जो इनलॉज होते थे वो बहुत ग्रीडी होते थे, और वो अगर डाउरी नहीं मिलती थी तो वो अपनी पत्नी को मार देते थे। दे यूज टू मर्डर देयर वाइफ और देयर डॉटर इन लॉज इफ दे डिड नॉट गेट द डाउरी विच दे वर आस्किंग फॉर। तो ऐसे बहुत सारी डेथ होने लगी, बहुत सारी मर्डर्स होने लगे लड़कियों के डाउरी को लेकर, दहेज को लेकर। एंड 1980 में इस इशू को जो है उठाया गया था, एंड 1980 में लॉट ऑफ विमेन्स ग्रुप, बहुत सारी औरतों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड विमेन्स ग्रुप स्पोक आउट widely against this issue of dowry deaths, and they came on streets, सड़कों पर आकर protest किया, court में जाके protest किया, बहुत सारी information को एक awareness spread करी कि कैसे dowry deaths होती है, कैसे इसे रोका जा सकता है। सो औरतें जो है, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, दे केम ऑन स्ट्रीट्स, बहुत सारी प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी रैलीज हुई, एंड बहुत जल्दी ये जो डाउरी डेथ का जो इशू था ये बहुत जल्दी पब्लिक इशू बन गया, यानी कि पूरे हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा इशू बन गया। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में लिखा जाने लगा, सोसाइटी में पूरा ये पूरा इशू फैल गया, एंड फाइनली 1980 में डाउरी लॉज आए, जो डाउरी के लॉस थे वो चेंज हुए, एंड फाइनली जो फैमिलीज डाउरी एक्सपेक्ट करती थी, यानी कि जो फैमिलीज दहेज मांगती थी, दे वर
ऐसे लॉज बने कि जिससे वो लोग पनिश हो सके, उनके अगेंस्ट एक्शंस लिया जा सके। तो ये लॉज 1980 से पहले नहीं थे, जो थे वो बहुत अलग लॉज थे, बट 1980 में जब ये इशू पब्लिक इशू बना जब ये पब्लिक इशू बना तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में इसके बारे में एक्सटेंसिवली लिखा जाने लगा, न्यूज चैनल्स पे इसके बारे में बात होने लगी, एंड एक प्रेशर क्रिएट हुआ गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में, एंड फाइनली जो डाउरी लॉज थे वो चेंज हुए। तो ऐसे कैंपेनिंग से जो है नए नए लॉज पास हो सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो भी चेंज हो सकते हैं। अब दूसरे टाइप का जो स्ट्रैटेजी थी अंडर विमेंस मूवमेंट, दैट वाज रेजिंग अवेयरनेस, यानी कि कोई भी जो इशू है या कोई भी जो प्रॉब्लम है जो विमेन फेस करती हैं उनके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को उन इश्यूज के बारे में बताना, उसको कहते हैं रेजिंग अवेयरनेस। तो इस विमेन्स मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, यानी लोगों में एक जागरूकता लाना, एक अवेयरनेस लाना कि क्या क्या विमेन्स इश्यूज हैं, व्हाट आर द इश्यूज विच विमेन फेस, व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दे फेस, व्हाट आर द काइंड ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट्स दैट विमेन हैव टू फेस। तो एक पब्लिक अवेयरनेस करना विमेन्स मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है, सो दिस अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, यानी सड़कों पे अलग अलग नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, स्ट्रीट प्लेस किए जाते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू यानी गानों के थ्रू भी अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, पब्लिक मीटिंग्स यानी अलग अलग जगहों पे जाके मीटिंग्स करना, वहाँ के लोगों को बताना कि विमेन्स राइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, विमेन्स के क्या इशू होते हैं, इन सब के बारे में लोगों को बताना, उनको अवेयर करना इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विमेन्स मूवमेंट। थर्ड स्ट्रैटेजी जो विमेन्स मूवमेंट के अंदर होती है दैट इज प्रोटेस्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा कैंपेन्स होते हैं, फिर दूसरा हमने पढ़ा एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है विमेन्स राइट्स और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए, एंड थर्ड होता है प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करना, अपनी आवाज उठाना और जो गलत हो रहा है विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, उसके अगेंस्ट बोलना। सो विमेन्स मूवमेंट्स रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट विमेन टेक प्लेस, यानी कि विमेन के साथ कुछ गलत होता है या जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई वायलेशन होता है तब आवाज उठाई जाती है, या फिर कोई ऐसा नया लॉ आता है या कोई पॉलिसी आती है जो विमेन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, यानी कि उनके बेनिफिट, विमेन का बेनिफिट उस लॉ से नहीं हो रहा है, और विमेन एंड गर्ल्स आर नॉट बेनिफिट फ्रॉम द न्यू लॉ और अ न्यू पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैज जनरेटेड, तो तब बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। अभी प्रोटेस्ट कैसे किए जा सकते हैं, तो पब्लिक रैलीज हो सकती है, यानी कि बहुत सड़कों पे मार्च किया जा सकता है अलग अलग स्लोगन्स के साथ, पोस्टर्स के साथ जो है विमेन कैन प्रोटेस्ट एंड क्रिएट पब्लिक रैलीज, एंड दे कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ डेमॉन्स्ट्रेशंस, दे कैन डेमॉन्स्ट्रेट द इनजस्टिसेस दैट दे आर फेसिंग, दे कैन इनिशिएट पब्लिक रैलीज जहाँ पे वो पोस्टर्स और स्लोगन्स नारे लगा सकती हैं, पोस्टर्स के साथ चल सकती हैं, जिससे पता चले दैट देर आर सम काइंड ऑफ इनजस्टिसेस, देर सम काइंड ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट या देर सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट वेमेन। So women's movement raises its voice when violations against women take place, जब औरतों के साथ कुछ गलत किया जाता है, और when a law or a policy acts against their interest, अगर कोई ऐसा कानून है या कोई ऐसी पॉलिसी है जो उनको बेनिफिट नहीं कर रही और उन्हीं के लिए बनाई गई है, तब प्रोटेस्ट किया जाता है। और प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है, so public rallies and demonstrations are very powerful way of drawing attention of the injustices, yani ki whatever injustices is happening against women, whatever kind of discrimination that's happening against women, yeah, whatever unequal treatment that is happening in society against women, all of that can be protested through the ways of public rallies and demonstrations। फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रैटेजी जो विमेन्स मूवमेंट की होती है दैट इज शोइंग सॉलिडारिटी, यानी कि
जो विमेन्स के मूवमेंट है, यानी कि जो इश्यूज अलग अलग विमेन फेस कर रही है, हो सकता है कोई विमेन अपनी बॉडी के लिए डिस्क्रिमिनेट हो रही हो कि बहुत पतली है या बहुत ज़्यादा हेल्दी है, या उनके कलर के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, या जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन एंड शी इज़ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन हर वर्क प्लेस, या देर इज सर्टन काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट दैट शी इज़ फेसिंग, कोई भी टाइप का इशू हो दैट वुमेन आर फेसिंग, ऑल द अदर वुमेन सपोर्ट द अदर वुमेन एंड देयर कॉजेस, सो बेसिकली दे शो देयर सॉलिडारिटी टू अदर वुमेन एंड कॉजेस. सो अगर मैं एक वुमेन हूँ एंड अगर क्या मैं एक वुमेन हूँ, सो वॉट माई जॉब वुड बी, आई हैव टू सपोर्ट द अदर वुमेन, देयर कॉजेस, वॉट आर द इनजस्टिसेस दे आर फेसिंग, उन वो क्या कर रही हैं, ऐसे जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं अनइक्वल पे के लिए, अनइक्वल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट, ये जो भी मूवमेंट्स वुमेन के चल रहे हैं, तो उसको मुझे सॉलिडारिटी दिखानी है. सो दैट इज बेसिकली हमें जितनी भी विमेन्स मूवमेंट है उनके लिए एकता दिखानी है, दैट येस आई सपोर्ट योर कॉज, आई सपोर्ट ऑल द इनजस्टिसेस विच एवर आई डो नॉट सपोर्ट ऑल द इनजस्टिसेस, आई सपोर्ट ऑल द विमेन हु आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिसेस. सो विमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन एंड देयर कॉजेस, यानी कि दूसरी औरतों को सपोर्ट करना, उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो इनजस्टिसेस वो फेस कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, यानी कि महिलाओं को आपस में एकता दिखाना, एक सॉलिडारिटी दिखाना इज शोइंग सॉलिडारिटी, एकता दिखाना जितने भी दूसरी विमेन है और उनके कॉज है. ऐसा नहीं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं सिर्फ इसी प्रॉब्लम को सपोर्ट करूंगी जो मेरे साथ हुआ है, नो. अगर इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो मुझे वो भी जो मेरे आसपास जितनी दूसरी विमेन है, हो सकता है मेरी कोई फ्रेंड डाउरी की प्रॉब्लम फेस कर रही हो, या फिर मेरी कोई फ्रेंड या मेरी कोई ऐसी जान पहचान वाली विमेन, या इवन अगर मैं नहीं जानती बट अक्रॉस द ग्लोब कोई ऐसी विमेन है हु इज डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज एट हर वर्क प्लेस बिकॉज she is a girl या she is a woman and she is not paid equally as per her male employees, तो मुझे उनके causes को भी support करना है, because that's how we show our solidarity. So showing solidarity towards other women and their problems, their causes is also a very important part of women's movement. ऐसे ही हर साल 8th March को हम International Women's Day मनाते हैं, where we celebrate women, the kind of struggles they have faced, and we renew the struggles, जो existing struggles हैं उसको renew किया जाता है, और जो women ने over the years struggles face किए हैं, how she fought those struggles, how she raised her voice against those struggles, those discriminations, then that is also celebrated. So basically on 8th March every year International Women's Day is celebrated, where we celebrate women and their struggles. So that was all in this chapter. I hope aapko ye chapter bahut interesting laga hoga. I tried to explain everything in this chapter from the best of my abilities. I hope aapko ye chapter bahut acche se samajh aaya hoga. Ye chapter exam ke perspective se bhi bahut important hai, because bahut sare questions aate hain. Plus, this is something that we see around us, around us, the kind of discrimination women are still facing. So it is, I think, was a very relevant chapter, because we were able to relate. We still see so many women fighting against the unequal pay, yeah, unequal treatment that happens with them, against them, the kind of discrimination that still happens against them. So ये बहुत एक relevant chapter था जो आगे के time पे भी आपको बहुत काम आने वाला है. So इस chapter से we basically learned what are the kind of stereotypes that happens in today's times. क्या stereotypes होते हैं girls के लिए, क्या stereotypes होते हैं boys के लिए, and how these stereotypes affect girls' education and their careers.
फिर हमने पढ़ा वाई एससी एंड एसटी गर्ल्स ड्रॉप आउट फ्रॉम देयर स्कूल्स, बट उससे पहले हमने दो लेडीज के, दो पावरफुल वेमेन के हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे, दैट इज राज सुंदरी देवी एंड रुकैया शखावत हुसैन. इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, इनने कितनी ब्रेवरी के काम किए थे एंड हाउ दे डिड नॉट यू नो, ये जो सोसाइटी के जो बिलीव थे उसके आगे नहीं झुकी, दे डिड नॉट बाउ देयर हेड्स इन फ्रंट ऑफ दोज सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ दैट टाइम एंड दे वेंट ऑन टू रीड एंड राइट एंड स्टडी. सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इन दोनों ही वेमेन का उस टाइम पे. फिर हमने देखा एससी एंड एसटी ड्रॉप आउट्स क्यों होते हैं, क्या रीजन्स होते हैं, एंड वी फाइनली टॉक्ड अबाउट वेमेन्स मूवमेंट. विमेन्स मूवमेंट क्या होता है, वॉट आर द स्ट्रगल्स दैट विमेन यूजली फेस, एंड ये विमेन की जो इम्प्रूव हुई है कंडीशन, जो सिचुएशन इम्प्रूव हुई है ओवर द ईयर्स, वो कैसे हुई है, क्यों हुई है, प्लस विमेन मूवमेंट्स की फोर स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, दैट इज कैंपेनिंग, रेजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्टिंग एंड शोइंग सॉलिडारिटी. एंड लास्टली हमने पढ़ा कि 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया जाता है, दैट इज बेसिकली to celebrate women and their struggles and to fight against the existing discrimination and unequal treatment that women are still facing in our world. So that was all in this chapter. I hope you would have liked this chapter and understood this chapter. बहुत अच्छे से आपको ये समझ आया होगा chapter. बस यही मुझे लगता है, यही मैं कामना करती हूँ, यही मैं दुआ करती हूँ कि ये जो chapter है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड नाउ आपके ही बेनिफिट्स की बात मैं फिर से कर रही हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी किया था. सो अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस के फीचर्स, तो ये स्पेशल क्लासेस जो है अन अकेडमी के ऐप पर लगती है. सो यू हैव टू, इफ यू वांट टू अटेंड दीज फ्री क्लासेस, दीज स्पेशल क्लासेस, देन यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्नर्स ऐप एंड वहाँ पे आपको जिस भी सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेस चाहिए वो आप ले सकते हैं. एंड एज द नेम सजेस्ट, दीज क्लासेस आर टोटली फ्री, यानी कि एकदम फ्री होती है, तो आप कभी भी ये क्लासेस ले सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे. अब इन क्लासेस के क्या फीचर्स हैं, तो अगर आप फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हैं अन अकेडमी के ऐप पे, तो आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं. जैसे ये तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जहाँ पे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और मैं आपने ये पूरा वीडियो देखा, बट अगर आप स्पेशल क्लासेस लेते हैं तो आप वहाँ पे मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, चैप्टर को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. तो वहाँ पे इंटरैक्शन होगा, यानी कि आपकी जो क्लासेस होती हैं एकदम क्लास वाली फील आती है, जहाँ आप टीचर से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ सकते हो बैठ के एंड टीचर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. इसके अलावा टीचर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे क्विज हो सकते हैं वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आता है. क्विज होता है, MCQs होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, एकदम जब क्विज हो रहा होता है एकदम KBC जैसा माहौल होता है. द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट मिस्टर अमिताभ बच्चन डजंट यू नो प्ले आस्क द क्वेश्चंस, बट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आस्क यू दोस क्वेश्चंस एंड आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है. इसके अलावा इफ देर यू कैन ऑल्सो कम्पीट विद योर फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्लासमेट, बैचमेट या आपके ही एज के कोई कजिन या रिलेटिव भी वो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, तो यू कैन एक्चुअली कम्पीट विद दैम. आप देख सकते हो कि आपने कितने सही आंसर दिए, उन्होंने कितने सही आंसर दिए, एंड देन यू कैन कंपेयर योर आंसर्स. तो स्पेशल क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड इट्स अ गारंटीड थिंग कि जो YouTube के जो वीडियोस हैं, YouTube की जो मेरी क्लासेस हैं, उससे बहुत ज़्यादा फन क्लासेस होती है वहाँ पे. सो स्पेशल क्लासेस आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए. और आपको करना ही क्या है इन क्लासेस के लिए, आपको सिर्फ अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि वहीं पे स्पेशल क्लासेस होती है एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री, बहुत फ्री होती हैं ये क्लासेस. तो यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एकदम फ्री है, प्लस आप एजुकेटर से इंटरैक्ट भी कर सकते हो. और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अन अकेडमी का. अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है और इसके क्या फीचर्स होते हैं तो हम बात करेंगे. अन अकेडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और बहुत सस्ते दाम पे, यानी कि बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे, बहुत रीजनेबल रेट्स पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. ये बेनिफिट्स क्या है, तो पहला तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस.
आप किसी भी अपने घर में बैठ के किसी भी रूम से आराम से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ट्यूशन टीचर के घर पे या अनअकैडमी के ऑफिस में आके अनअकैडमी का कोई जगह पे आके आपको पढ़ना है, आप अपने घर से पढ़ सकते हो। तो आपको जब पढ़ना है आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो। किसी दिन बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती हैं वो अटेंड कर सकते हो। तो इट यू गेट टू स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। प्लस यहाँ पे जो है यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको जो भी कोर्स पढ़ना हो आप बस ये सब्सक्रिप्शन लो और आपको जितने कोर्स पढ़ना हो आप वो कोर्स पढ़ सकते हैं। You get to learn from the top educators of India who are highly qualified in their respective fields and they are one of the finest educators of India. Plus, यहाँ पे जो है regular doubt clearing sessions होते हैं, यानी कि regular basis पे आपके जितने भी academic doubts हैं आप वो सब educators आपके doubts को clear करते जाते हैं, जो इस वीडियो में नहीं हो सकता बिकॉज ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। तो अगर चैप्टर के बीच में आपको कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते, बट आप अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, या अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस लेते हैं ऐप पर तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कवर किया जाता है सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे ये बेनिफिट आपको मिलता है कि जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जाता है। प्लस आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपको गाइड करता है, एक फ्रेंड की तरह गाइड करते हैं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, वेयर एग्जैक्टली और लैगिंग, कहाँ आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, कहाँ आप अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो। सो योर मेंटोर विल बेसिकली गाइड यू विद ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा अनअकैडमी स्टडी मटेरियल भी पूरा आपको प्रोवाइड करेगा। आपको जो भी कोर्स पढ़ना हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे कहीं भी आपको मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। देयर विल बी प्रैक्टिस टेस्ट, देयर विल बी वीकली मॉक टेस्ट एंड क्विज होंगे, डेली MCQs होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। सो आप अगर सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो आपको विद इन अ वीक, दैट्स अ गारंटी, विद इन अ वीक आपको अपने रिजल्ट इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। तो देर आर प्रैक्टिस टेस्ट, देर आर लाइव टेस्ट। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ये सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हो, तो बेसिकली आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, लर्नर्स ऐप, एंड वहाँ पर आप जाओगे तो आपको बहुत ईजीली दिख जाएगा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है। एंड आपको सब्सक्रिप्शन के प्राइस भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो अलग अलग पैकेजेस होते हैं, 6 मंथ का पैकेज है, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 24 मंथ्स, अलग अलग पैकेजेस हैं। अलग अलग पैकेजेस की रेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और अगर आप एकदम एक्सट्रीम स्क्रीन के एकदम एक्सट्रीम साइड पे देखोगे तो वही रेट्स आपको 10% ऑफ के बाद दिख रही होंगी, कि नॉन 10% वाली रेट्स थोड़ी सी हाई है। और जहाँ पे 10% आप ले लेते हो, 10% डिस्काउंट आप अवेल कर लेते हो, तो रेट्स कितनी कम हो जाती हैं। ये 10% डिस्काउंट आप क्या कैसे अवेल कर सकते हो, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हो तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है किसी भी कोर्स पे, कोई भी पैकेज पे। आप UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप JEE मेंस के लिए अपनी बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स पढ़ना हो, यूज माई कोड एंड यू विल स्ट्रेट अवे गेट 10% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ दीज कोर्सेज। इसके अलावा अनअकैडमिक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और अभी आप लोग सोच रहे होगे कि अभी तो मैंने ये मैम ने एक अलग ही कोई सब्सक्रिप्शन बताया, अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कुछ अलग ही बता रही है। तो इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको मुंबई टू पुणे ट्रेन से जाना है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है बट फिर भी सपोज आपको ट्रेन से जाना है। अब ट्रेन में जनरल कोचेस भी होते हैं और AC कोचेस भी होते हैं, और जान पहुंचाती तो पूरी ट्रेन आपको उसी डिस्टेंस है, ऐसा तो है नहीं जनरल कोच में अगर आप बैठोगे तो आप पुणे की जगह नासिक पहुंच जाओगे, और अगर AC वाले कोच में बैठोगे तो पुणे पहुंचोगे, ऐसा तो है नहीं, पूरी ट्रेन आपको वहीं पहुंचाएगी जो डेस्टिनेशन है। बात आती है कंफर्ट की और बेनिफिट्स की।
तो जनरल कोच में इतना कंफर्ट नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट एसी के कोच में मिलेगा, क्योंकि वहां की जो सीट है वो ज्यादा कंफर्टेबल होगी, बेनिफिट जो है वो और ज्यादा कंफर्टेबल होगी, बहुत कंफर्टेबल जर्नी जाएगी। तो वैसे ही बात आती है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की। सॉरी, तो जब आप अनअकैडमी का पहले वाला सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो थोड़े से बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। तो ये बेनिफिट्स क्या हैं? तो आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा, ये पर्सनल मेंटोर आपको पर्सनली गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस, प्लस यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो पहले वाले जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन था, प्लस सब्सक्रिप्शन था, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे डाउट सेशंस थे, यानी कि वीक में एक बार हो गया या दो बार हो गया। बट जो लाइव, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे आप लाइव अपने सारे डाउट्स रोज पूछ सकते हो एजुकेटर से, जैसे आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन लाइव क्लासेस। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी, वे यू बेसिकली गेट अ रिपोर्ट ऑन योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वीक, पूरे वीक में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, या पूरे वीक में आपने क्या क्या इम्प्रूव किया, या कैसे कैसे और इम्प्रूव आपको करना चाहिए, उसकी पूरी एक रिपोर्ट मिलेगी, पूरा एक एनालिसिस मिलेगा आपको। इसके अलावा एक पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट भी होता है, वेर पेरेंट्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पेरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं अपने बच्चों को किस स्ट्रीम में आगे प्रमोट करूं, कि कैसे और अपना रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है, हमारे पेरेंट्स के मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो पेरेंट्स के भी सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, पेरेंट्स के भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। कहाँ क्लियर हो रहे हैं? अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और इसके अलावा अनअकैडमी आपको स्टडी प्लानर भी बना के देगा, वेयर व्हिच विल बेसिकली ट्रैक योर स्टडी, दे विल बेसिकली एक स्टडी ट्रैकर प्लान बनेगा, जहाँ पे मंथली रिव्यूज मिलेंगे आपकी परफॉर्मेंस के, आपकी प्रोग्रेस में, कि कैसे आपने पूरे मंथली बेसिस पे इम्प्रूव किया, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको उसके बारे में रिव्यूज मिलेंगे। इसके अलावा जो प्लस सब्सक्रिप्शन यानी कि पहले वाले सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स मैंने बताए थे, वो सारे बेनिफिट्स तो आपको यहाँ पे मिलते ही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, और आपको अपना जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, जो पैकेज आप लेना चाहते हैं, वो पैकेज आप ले सकते हैं। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके प्राइस मैंने पहले वाली स्लाइड में बताए थे। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, यहाँ पे तो आपके रिजल्ट्स गारंटीड है, ए प्लस ग्रेड गारंटीड है यहाँ पे, और प्राइस जो है अलग अलग पैकेजेस के अगेन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। एंड अगर यही पैकेजेस में आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, और जो रेट्स हैं, जो नॉर्मल रेट्स हैं, उनको और कम करना हो, वैसे तो वैसे ही बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं, बट अगर आपको और कम करने हो ये प्राइसेस, तो यू कैन यूज माय कोड, दैट इज PJAIN10, बिकॉज अगर आप मेरा एक कोड यूज करते हो तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिलता है। आपको जो कोर्स पढ़ना हो, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसमें, ये सब आपको 10% डिस्काउंट, मेरा जो कोड है वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो इतनी मेहनत, इतने सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, इतने बेनिफिट्स तो आजकल कहीं पे भी नहीं मिलते, इतनी मेहनत हमारे बच्चों के रिजल्ट्स पे तो शायद पेरेंट्स भी नहीं करते जितनी मेहनत अनअकैडमी करता है। और इसीलिए तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ 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 यूज़ माई कोड ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन पैकेजेस दैट यू वॉन्ट टू टेक, बिकॉज उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स तो सारे ही आपके ही बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ आपके लिए हैं। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कोई भी पैकेज अपनी कोर्स और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेना है, और नहीं तो आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस तो अटेंड कर ही सकते हैं, विच इज़ टोटली फ्री। तो आप फ्री क्लासेस अनअकैडमी के ऐप पे भी ले सकते हैं,
And that was all from my end. Thank you so much for staying tuned till the end, for watching this video till the end. Please, please, please like this video ताकि मेरे जैसे educators को और ये motivation मिले, so that we bring the best content for you and we bring that in the best possible way. Please share this video amongst your classmates or cousins जो कि 7th grade में हैं, ताकि उनका भी benefit हो, उनको भी सारे chapters अच्छे से समझ आए, because sharing is caring. So please share this video and show them that you care for them. And lastly, subscribe to the Unacademy channel, hit the bell icon so you do not miss out on any latest updates from the Unacademy channel. Koi bhi notification Unacademy ka aap se miss na ho jaye. So together you and we can crack any exam. So let's ace that school exam. So let's crack it. Thank you so much for watching this video and showing your support to me. Thank you so much.